स्वागत आपको मिल सी आपके मैं नमस्ते सर। सो फाइनली अब पापा ने मेरे को कन्विंस करा आई लिया सुबह सुबह उठ के सैर करना में, और अच्छी बात भी है। पापा और अक्षय कुमार दोनों ही बोलते हैं कि अपने को एटलीस्ट एक घंटा तो बॉडी को देना ही चाहिए। तो मैंने कहा वाई नॉट इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर ट्यूबर बोलता है कि अगर आप शाम को एक्सरसाइज करते हो और वही अगर आप दिन में करते हो एक्सरसाइज, मतलब खाली पेट सुबह सुबह, तो वो मतलब ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। और अपने को तो हमेशा से ही पतला होना था। सो पापा गए आगे साइकिलिंग करके, मैं अभी जा रहा हूँ वही लेन पे आई एम वाली। थोड़ी देर तू साइकिलिंग कर ले एंड ही विल वॉक। तो मैं ये पूरी मेन रोड का, ये मेन रोड का ही चक्कर मारता हूँ, मतलब चक्कर इन द सेंस कि आना और जाना वापस, और उसमें जो हालत टाइट हो जाती है मेरी, पता नहीं क्यों साइकिल चलाते ही हालत, पता नहीं क्यों बहुत गंदी स्टेमिना प्रॉब्लम है। मैं चल लेता हूँ, साइकिलिंग करने वक्त थक जाता हूँ। अभी भी मुझे लग रहा है गया बस घर पहुँच जाए और रेस्ट करें। मतलब सैर करने के बाद जो थक गया मैं, वैसे भी रात को मैं लेट सोता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो उसके बाद सोया मैं, उठा अभी तैयार व्यार हुए हैं, तो मम्मी बना रही है चने और प्याज की परांठी, और इधर चल रही है नायक मूवी। आधा एक घंटा बचा हुआ, 12 बजे शुरू हो गया। हाँ नहीं पढ़ी अभी, पढ़ी अभी पढ़ी है, पढ़ी आधी के करीब हुई है। सोया लेट्स गो, देखें और आप पराठे दिखाते हैं मम्मी के हाथ के। मम्मा चने और प्याज के पराठे खाते हैं और इतने मस्त ऐसा खत्ता रहा मैं टेस्टी। ये देखो बन रहा है, अभी ये सब बन रहा है, अभी कितना टेस्टी बनेगा दिखाते हैं। ये मिली मम्मी मस्त खाएं। वैसे तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ टेस्टी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं थोड़ा टीवी भी देखते हैं। एक्चुअली पापा अपने गए थे किधर भला, हॉल बाजार मार्केट एरिया है, वहाँ पे एक फ्रूट मिलता है फालसा, एंड ये फ्रूट अराउंड 300 रुपया किलो है किलो। सो माई फादर, उनको पता है कि मुझे ये फ्रूट यानी कि फालसा फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत, और ये मुझे अमृतसर के अलावा कभी कहीं मिला भी नहीं, तो बेंगलोर से शहर में भी नहीं मिलता। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रूट होता कैसा है, गोल गोल देख पा रहे हैं। तो अब दिखाते हैं आपको फालसा, भाई साहब इतना ज़्यादा यमी लग रहा है मुझे तो, अभी खा जाऊँ मैं नाश्ते के बाद ही। ये देखो इस पर नमक ब्लैक सॉल्ट डालो और इसे हल्का सा शेक, और इसको बीज के समेत खाते हैं, इसको बीज निकाल देंगे, बहुत छोटा होता है एंड इट्स एडिबल। सो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। कभी अमृतसर आओ इस टाइम पे, जून जुलाई के टाइम में, तो मैं नहीं बोलूँगा अमृतसर आने के लिए इस टाइम में, पर अगर आओ ये फ्रूट ज़रूर खाओ। Awesome.